नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना को भ्रष्टाचार का बड़ा केंद्र बताया है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि सात निश्चय योजना में भ्रष्टाचार नीतीश कुमार ने किया हो या किसी अधिकारी ने, लोजपा की सरकार बनते ही इसकी जांच करवाई जाएगी। चिराग के अनुसार अगर मुख्यमंत्री भी दोषी पाए जाते हैं तो वो भी जेल जाएंगे। चिराग ने यह भी कहा कि जिस तरह से भाजपा गठबंधन के लिए ईमानदार है, उस तरह से जदयू को भी ईमानदार रहना चाहिए। हालांकि जदयू ने भी चिराग पासवान पर पलटवार किया है। जदयू ने चिराग पर पलटवार करते हुए कहा कि यह जनता तय करेगी कि कौन जेल जाता है। चिराग पासवान ने सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर बनवाने की भी बात कही। चिराग ने भाजपा को लेकर भी कई बातें कही। हालांकि भाजपा ने चिराग पासवान को शालीनता दिखाने की चेतावनी दी है। बक्सर जिला स्थित डुमराव में जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग ने कहा कि सत्ता में आते ही लोजपा पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना की जाँच करवाएगी और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री का सात निश्चय योजना घोटाले का अड्डा है। इस कार्यक्रम में भारी घोटाला हुआ है। चिराग ने ट्वीट करके भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। ट्वीट के माध्यम से चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा के साथियों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने गठबंधन के लिए पूरे पेज का विज्ञापन और प्रमाण पत्र दिया हो। चिराग के अनुसार मुख्यमंत्री को भी वैसे ही ईमानदार होना चाहिए। वहीं जदयू ने भी इस पर पलटवार किया है। जदयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि यह पानी सर के ऊपर जा रहा है। जो व्यक्ति 10 लाख के जूते और घड़ी पहनता है उसके मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है। जदयू के अजय आलोक ने भी कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि कोई बच्चा प्रचार के लिए उनका नाम ले ले उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की केवल 100 गलतियां ही माफ किया था। चिराग को लालटेन में जलने का मन है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी चिराग को शालीनता बरतने की नसीहत दी है। चिराग ने सीतामढ़ी में सीता माता के मंदिर निर्माण का वादा फिर से दोहराया है। चिराग ने ट्वीट के माध्यम से लिखा है कि सिया के बिन राम अधूरे हैं। भगवान राम के मंदिर बनने के बाद अब माता सीता का भी भव्य मंदिर बनेगा। माता सीता नारी सशक्तिकरण और नारी स्वाभिमान की प्रतीक हैं। एक अन्य ट्वीट में चिराग ने लिखा है, माता सीता के साथ साथ बिहार में गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह जैसे कई संतों का वास रहा है। इन सभी महान स्थानों को विशेष सर्किट से जोड़ा जाएगा। चिराग ने लिखा है कि धार्मिक पर्यटन से लोगों की आस्था जुड़ी है और इससे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।